ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स को कैसे भुलाएं, खास करके उस एक्स को जो आपके पड़ोस में ही रहती है, जो आपको हमेशा दिखती ही रहती है। ऐसे इंसान को भुलाना बहुत मुश्किल है, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल काम कैसे किया जाए आज करेंगे इसी बारे में बात। एक्चुअली दोस्तों आज है वेनसडे, वेनसडे को मैं देती हूँ आपके ही पूछे गए सवालों का जवाब हैशटैग मेरे सवाल वीडियो में। ये जो सवाल है मेरे पास में आया है मेरे ही एक सब्सक्राइबर का, जो है एक लड़की। इनको था किसी लड़की से प्यार, ब्रेकअप तो हो गया, कैसे भूले क्योंकि वो प्यार है बगल में पड़ोस में जो हर वक्त दिखता है। यही प्रॉब्लम में फंसे पड़े हैं मेरे सब्सक्राइबर एंड आई एम श्योर ऐसी दिक्कतें सिर्फ इन्हें नहीं है, ऐसे बहुतों को होती हैं। क्या करा जाए, देखिए क्या करना है। इससे पहले आप एक काम करें, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी कॉल बुक करें मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ अब बताती हूँ दूसरा काम आपको क्या करना है। अगर नहीं भूल पा रहे हो एक्स को ना, भूलने की जबरदस्ती मत करो सबसे पहले, क्योंकि किसी प्यार को आप बहुत जल्दी नहीं भूल पाते। इट टेक्स टाइम, हमेशा टाइम तो लगने वाला है। आप ये सोचे कल मेरा ब्रेकअप हुआ 4 दिन बाद मैं नॉर्मल हो जाऊं, नहीं होगे, कभी भी नहीं होगे। अट्रैक्शन में नहीं होता इंसान नॉर्मल, ये तो प्यार है। सो अपने आप से ना ये उम्मीद मत करो कि यार 4 दिन में मैं उसको भूल जाऊं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊं, मुझे उसकी याद ना आए, ऐसा कतई नहीं होने वाला। इस उम्मीद में कभी मत रहना। इंसान किसी को भूलते भूलते भूलता है, प्यार भी होते होते होता है ना, भूलते भूलते ही भूलोगे उसको, अचानक से नहीं भूलोगे। और एक बात बताओ, किसी को आपने बहुत प्यार किया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, किसी पर आपका दिल था, अचानक से ब्रेकअप हुआ और आप सोचते हो कि ब्रेकअप होते ही आप नॉर्मल हो जाओ, आपको फर्क ही ना पड़े, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है ये। अगर ऐसा होने लगा तो मीन्स प्यार ही नहीं था। अगर प्यार है तो ये चीज़ें नहीं होंगी, है ना। तो पहले तो इस चीज़ को उम्मीद ही करना छोड़ दो कि आप एकदम भूल पाओगे। भूलोगे वक्त के साथ में। दूसरा क्या है, वक्त के साथ में तो भूलोगे लेकिन थोड़े से एफर्ट्स तो आपको भी करने पड़ेंगे ना। वो एफर्ट क्या लगाने हैं, जब जब वो जो आपका एक्स है आपकी नजरों के आगे आता है, मिलता है आपको, कोई फिक्स टाइम है क्या? अगर है तो उस फिक्स टाइम पर बाहर जाना अवॉइड करो। जब आपको पता है मान लो वो एक्स इस टाइम पर कपड़े धोती है बाहर अपने दरवाजे में बैठ के, या फिर इस टाइम पर वो स्कूल जाती है कॉलेज जाती है, या शाम को वो मिलती मिलती है गली में टहलती है, ऐसा कोई फिक्स टाइम होगा आई एम श्योर जब ज़्यादा वो बाहर होती होगी आपको ज़रूर दिखती होगी। अब आपकी तरफ से एक दिक्कत होगी कि आप उसको इग्नोर करना चाहते हो, लेकिन फिर भी जिस टाइम पर वो बाहर रहती है ना उस टाइम पर आपका मन होता होगा उसको देखने का, वो काम मत करो। कितनी बार क्या होता है लोग ब्रेकअप तो कर लेते हैं लेकिन उस इंसान के सामने रहना चाहते हैं, और यही हालत होगी उसकी भी। वो ब्रेकअप कर चुकी है आपसे, अलग जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कोशिश करती होगी आपके सामने आने की, आपको अपने आप को दिखाने की। सो उसकी कोशिश को कामयाब मत होने दो। वो चाहती है कि आप उसे देखो, इसलिए वो ज़्यादा घूमती है गली में आपके आँखों के आगे, ज़्यादा आती है। आप कोशिश करें घर के बाहर ना निकले, उस टाइम पर बिल्कुल भी ना निकले जिस टाइम पर वो होगी, जब चांसेस ज़्यादा हों। और अगर निकल भी जाते हैं, जब भी निकले घर से बाहर तो उसके घर की तरफ आपको देखना ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि वो लड़की बैठी हो, आप निकले हो और वो ये चीज़ फील कर पाए कि आपने नज़र भी नहीं उठाई है, एकदम बिल्कुल बुरी तरीके से इग्नोर कर दो। आई कॉन्टैक्ट आपका बिल्कुल ना हो उसके साथ में, कभी भी ना हो, और उसको इस चीज़ का एहसास करवा दो कि आपको उसकी शक्ल देखना भी नहीं पसंद। इससे क्या होगा, अभी तक वो लड़की जहाँ पर 4 बार घर से बाहर निकलती थी अब 10 बार निकलती है ताकि आप उसे नोटिस करें, और आपको नहीं देखती, वो सिर्फ आपको दिखाती है अपने आप को, इतराती है, घूमती है आपके आगे पीछे, आपको दिखाते हुए अपने आप को ये करती है, आपके आगे ज़्यादा खुश होकर घूमती है, ये करती है। जैसे ही उसको ये एहसास होगा कि आप उसे एकदम हेट करते हैं, उसकी तरफ देखते नहीं हैं, आपको नज़र भी नहीं उठानी है, बिल्कुल ही पीट करके निकलते हैं, 2-3 बार वो नोटिस करेगी, कितनी बार वो खड़ी हुई थी आपने नज़र उठाई नहीं, आपने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया,
तो वो क्या करेगी, शर्मिंदगी महसूस करेगी, इंसल्टेड फील करेगी। जब उसको समझ में आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ही नहीं है और वो भी इंसल्टेड फील करेगी ना, इस वजह से आपके आगे आना खुद ही छोड़ देगी। अभी वो जानबूझकर घर के बाहर निकलती है, फिर वो खुद कोशिश करेगी कि उस टाइम पर घर के बाहर निकले जब आप ना, तो इससे वो आपको दिखना कम हो जाएगी। ये एक काम है जो आपको ज़रूर करना चाहिए, बट अभी आप क्या कर रहे हैं, वो एकदम घर के बाहर निकलती है, आप उसको देखते हैं, वो देख लेती है कि आप उसे देख रहे हैं, इसलिए वो ये काम ज़्यादा कर रही है। तो इग्नोर हर, अवॉइड, जितना भी ज़्यादा आप कर सकते हैं करिए, यही एक तरीका है उसको इग्नोर करके अपनी नज़रों से दूर करने का, ताकि वो आगे ना मंडरा। साथ ही साथ एक और आप काम करें कि जब भी आप घर के बाहर निकलें तो आपका चेहरा एकदम उतरा हुआ, उदास नहीं होना चाहिए उस ब्रेकअप की वजह से, क्योंकि आप माने या नहीं माने वो भी आपको नोटिस करती है। हो सकता है वो आपको देखती नहीं है तो आपको लगता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, फ़र्क सबको पड़ता है। अभी आप दुखी है ना, आप सैड हैं, तो समवेयर वो ज़्यादा खुश है उस ब्रेकअप से। एक बार आप तो इग्नोर करेंगे, साथ ही साथ अपनी लाइफ में बहुत नॉर्मल बिहेव करेंगे। मिंटू से गली में आप जैसे निकलते थे ना, बेपरवाह होके पड़ोसियों से बात कर रहे हैं, बगल वाली एंटी से हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसा अगर आपका नेचर था और अब ऐसा काम नहीं करते तो करना शुरू कीजिए। आप वैसे रहिए गली में जैसे पहले रहते थे, सब लोगों से वैसे बात कीजिए, उनको वैसे ट्रीट कीजिए जैसे उससे मिलने से पहले थे। इससे क्या होगा, उसको ये भी एहसास होगा कि आपके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है, आप पहले की तरह हैं। इससे उसे पता चलेगा कि आपको अब परवाह नहीं है उसकी, आपको कतई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे, वो साथ में है या नहीं है। इससे भी वो इंसल्टेड फील करेगी और फिर वो आपके आगे आना अवॉइड करेगी अगेन। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको मूव ऑन करने में, और इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम निकलेगा। जैसे जैसे वक्त निकलेगा वैसे वैसे आप भी नॉर्मल होते जाएंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ कीजिए कि अपने आप को बिजी कर लीजिए। इस समय क्या है, क्योंकि आप प्यार करते थे, ब्रेकअप हुआ है, दिल दुखा है, उसकी याद आती है, देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आपके दिमाग में चलती होंगी। सो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को बिजी रख लें। हो सकता है पॉसिबल आपके लिए तो जॉब कर लीजिए, कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ लीजिए कुछ महीने की टेम्परेली, ताकि आप थोड़ा बिजी हो जाए, या फिर कुछ महीने के लिए ही कहीं घूमने चले जाइए, या फिर थोड़ा दोस्तों से बात कर लीजिए, थोड़ा मूवी वगैरह देखना शुरू कर दीजिए। अगर आप घर पे रहते हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब नहीं कर सकते, तो कोई मूवी वगैरह पे थोड़ा बिजी रखिए। मेन टू से अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखिए। यकीन मानिए, जो इंसान बिजी होते हैं ना, वो जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग एक ही चीज़ पर फोकस नहीं करता। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी तो आप जल्दी मूव ऑन कर जाओगे, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है, बिलीव मी। सो अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मूव ऑन करने के लिए, उसे भूलने के लिए। सो अपने आप को बिजी ज़रूर रखें, और आप देखेंगे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, वैसे वैसे उसका जो ख्याल है वो भी निकलता जा रहा है। देखिए, अगेन एक चीज़ और समझिए, किसी को आप ऐसे कभी नहीं भूल सकते कि आप उसका नाम तक भूल जाएं, आप उसकी शक्ल भूल जाएं, ऐसे नहीं भूल सकते। भूलना इन द सेंस कि फिर आपको ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके होने या नहीं होने का, उसको देखकर आपके ऊपर इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो पड़ना छूट जाएगा। इसे कहते हैं भूलना। आप उस प्यार को भूल जाओगे, आपको कोई और पसंद आ जाएगा, आप किसी और के साथ में मूव ऑन हो जाओगे, आपके लिए ये इजी होगा। इसे कहते हैं मूव ऑन होना। आपको उसकी याद करके आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं मूव ऑन होना, और इस तरीके से मूव ऑन आप हो जाएंगे। इसकी फिक्र मत कीजिए, सिर्फ थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, जो चीज़ें मैंने बताई है ये कीजिए, डेफिनेटली आप मूव ऑन होने वाले हैं बहुत जल्दी। सो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मूव ऑन करने में। इसके साथ ही अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसके रिगार्डिंग आप चाहते हैं मैं वीडियो में आंसर दूँ, तो वो क्वेश्चन आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है diltalksdaily@gmail.com, यहाँ पर अपना सवाल लिखकर भेजिए, पॉसिबल होगा तो ज़रूर मैं उस पर वीडियो बनाकर आंसर दूंगी। ये वीडियो अपलोड होती है वेनसडे को। नाउ मैं विदा लेती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।